नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सभी को इंतजार था। 125 करोड़ उत्तराखंडियों के साथ पूरे देश की नजरें इस समय उत्तराखंड पर है और सभी को इंतजार भी है कि समान नागरिक संहिता कब पटल पर रखा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कल 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कल विधायक के रूप में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं होंगी, जो हमारे अन्य दलों के साथ भी हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अपील भी की सभी लोग इस बिल को लेकर सकारात्मक रूप से इसमें अपना भागीदारी लें। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता UCC, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 125 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें, मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पीके अग्रवाल और उनकी पत्नी ने बीजेपी का दामन दोबारा थाम लिया। बता दें, पीके अग्रवाल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल कांग्रेस में पछुआ दून से जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होने पर जय श्री राम के जयकारे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय गूंज उठा। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज ने पहुंचकर कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि गदरपुर में राष्ट्रीय योगी सेवा संगठन को मजबूत कर रही है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय योग सेवा के पदाधिकारी को भी आज जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राष्ट्रीय योगी सेना का मुख्य उद्देश्य है जातियों और वर्णन में बढ़े हुए हिंदू समाज के लोगों को एकत्र करना और गौ सेवा से संबंधित कार्यों को भी देखना। गदरपुर क्षेत्र की कार्यकारिणी बढ़ाई गई है, जिसमें प्रमुख जो नगर अध्यक्ष का पद था वो थोड़ा कई महीनों से असंतोष में चल रहा था। कार्यकर्ता हमारे खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने नगर अध्यक्ष का आज हमने उनको पत्र दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया और वो अपना काम ताकि खुल के प्रशासन के साथ मिल के काम कर सके। सर, संगठन का उद्देश्य क्या है, किस तरह के कार्य करता है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य सनातन को बढ़ावा है, हिंदुत्व को एकजुट करना है
जो हमारा हिंदुत्व विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न झगड़ों, विभिन्न तरीके के उसमें बटा हुआ है, उनको समझा बुझा करके एक सूत्र में बांधना है। यही राष्ट्रीय योगी सेना का मेन कर्तव्य है। साथ में हमारा एक गौ रक्षा प्रकोष्ठ है, जो गौ माता के विभिन्न तरीके से, जैसे हम कभी कभी देखते हैं रोड पे गायें एक्सीडेंट हो जाता है, पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो हमारे राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ता बंधु जहाँ भी ऐसा कोई देखते हैं तुरंत नगर पालिका को सूचित करते हैं, JCB मंगाते हैं और वो उसको गड्ढा कहीं खोद करके सही जगह दफनाते हैं कार्यक्रम। आम बजट को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इस अवसर पर BJP नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव अरुण चौहान ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट चुनावी बजट है, इसमें पंचायत नगर पालिकाओं को शून्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब समाज विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा, ये बजट जमीनी वास्तविकता से दूर है। सही कहूंगा ना गलत कहूंगा, जो एक्चुअल बात है, ना तो इनकम टैक्स में कोई छूट दी गई है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए छूट दी जा रही है इस सरकार के द्वारा, और आम जनता फिस रही है महंगाई की मार में। तो क्या गरीब आदमी को इससे कोई फायदा होगा या नहीं? गरीब आदमी को कोई राहत नहीं है, और जो ये सरकार फ्री राशन बांट रही है, ये वोट लेने के लिए बांट रही है, इससे जनता जो है वो नापुंसक होते जा रही है, उनके काम करने की आदत खत्म हो रही है, ये गलत है। ये बजट गलत, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि चुनावी बजट है, और इस बजट के अंदर देखिए हमारी पंचायतें हैं होती हैं और नगर पालिकाएँ होती हैं, इस बजट में ये शून्य है, इसमें कुछ नहीं दिया गया इन्हें। तो आप ये देखिए, जब समाज जो है पंचायतों से नगर पालिकाओं से चलता है, जब इसका विकास नहीं होगा, ये विकसित नहीं होगा, तो मुझे बताइए देश कैसे विकसित हो जाएगा। और आपने देखा होगा सन 2014 में हमारे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, है? अब 2023 और 24 आ गया, पता है आपको कि इसमें 205 लाख करोड़ का कर्जा है इस समय देश के ऊपर, और ये कहते हैं हम देश को विकसित कर रहे हैं, और भाई देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अब इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, ये तो भगवान ही मालिक है ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बेरोजगारों को ले लीजिए आप, किसानों को ले लीजिए आप, व्यापारियों को ले लीजिए आप, इस बजट से किसी को राहत नहीं मिली है, और इस बजट से ना ही कोई महंगाई को राहत मिली है। बस इतना जरूर कह दूंगा मैं आपसे कि ये बजट बहुत छोटा है और निराशाजनक है। ये जब हम ये देखते हैं अपने बजट को जो अभी आया है, सरकार ने बोला है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इससे जो है मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा, लेकिन जब हम उसको डिटेल में देखते हैं तो हमें ये दिखता है सर कि उससे जो फायदा पहुँचेगा वो कॉर्पोरेट को पहुँचेगा, सर जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा पहुँचे। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी तो मिडिल क्लास खुद ब खुद सुधर जाएगा। वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जॉब्स बढ़ेंगी या जो हमारे देश के बड़े संपत्ति हैं या जिन लोगों के पास ज़्यादा मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं उनका पैसा बढ़ेगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन अभी तो यही लगता है हमें कि इससे मिडिल क्लास को कोई डायरेक्ट फायदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनका 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा करा है उन लोगों ने कि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेगा तो मिडिल क्लास बढ़ेगा, लेकिन ग्राउंड पर जब निकल कर देखते हैं तो ऐसा कुछ लगता नहीं, देखते कितना इन्वेस्टमेंट होगा इस चीज़ पर। क्या माना जाए कि ये गरीबों के लिए बजट नहीं था? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि गरीबों के लिए नहीं है ये बजट, इसमें सिर्फ मतलब साफ सीधे तौर से जो है अमीरों और जो बिजनेसमैन है बड़े बिजनेसमैन है उनको सीधा फायदा पहुँचाया गया है। बजट है ये 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के हिसाब से बजट बनाया गया है। इसमें गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सारी जो है सबको देखते हुए
ये पूरा बजट बनाया गया, और पूर्व में भी जितने बजट आए हैं वो बजट जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से इससे जो है वो देश में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, और आने वाला समय जो है वो युवाओं का और महिलाओं का है, ये आप निश्चित रूप से समझिए। और देश जो है वो विकसित देश बनने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के जो है ये चुनावी बजट कहा जा रहा है इसको? देखिए, अब चुनाव से पहले का बजट है तो जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो तो ये कहेंगे कि चुनावी बजट है, लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है। और ये देश की जनता देख चुकी है कि मोदी जी के, हमारी सरकार के। यारुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद उद्धम सिंह नगर की सीमांत खटीमा में सुरई वन क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित पावन सिद्ध पीठ भारमल धाम में एसएसपी उद्धम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी की घोषणा पर पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जहां जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, धाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालु और भक्तजन, विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संतों सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे में शिरकत किया। धाम पर पहुंचे एसपी मंजुनाथ टीसी सहित सभी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा रचना कर बाबा को श्रद्धांजलि दी तथा उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही बाबा की समाधि पर चादर भी चढ़ाया। इस दौरान मंदिर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पावन और पवित्र धाम है ये, एक बहुत एक सिद्ध पीठ है। जनवरी के माह में ये जो बहुत इन्होनी एक हरकत हुआ था जिसमें बहुत इन्होनी क्राइम हुआ था, जिसमें जो बारामल का जो महंत है, महंत हरिगिरी जी, उनका और उनके चेला एक है, उन दोनों का बर्बरता से हत्या हुई थी। तो बहुत ही मतलब इन्होनी क्राइम था, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। तो उसी समय हमारी पूरी टीम ने पूरे शिद्दत के साथ, हम यहाँ पे काम पे लग गए थे क्राइम वर्कआउट करने के लिए, उसी समय हमने एक प्रतिज्ञा लिया था हमारी पूरी टीम ने कि जब ये वर्कआउट हो जाएगा हम अपराधियों को अपने जगह पे पहुँचाएँगे, तब जो है उसके बाद हम पुलिस परिवार हम सब लोग मिलकर एक भंडारा कराएंगे करके हमने तभी एक प्रतिज्ञा लिया था। एक तरीके से इच्छा या कामना हमने व्यक्त किया था बाबा बारामल के सामने। तो आज मैं बताना चाहूँगा, पिछले हफ्ते हमने हमारे टीम को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। इस घटना में शामिल सभी तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो इसके उपरांत जो है हमने हमारा इच्छा या हमारा कामना या हमारा हमारा मन्नत के हिसाब से हमने समस्त पुलिस परिवार, उधम सिंह नगर जनपद की पुलिस परिवार की तरफ से हम लोग यहाँ पर आके हम लोग बाबा जी का हमने दर्शन भी करें, पूजा भी करें, और यहाँ पे एक भंडारा का भी आयोजन किया है सभी खटीमा और जनपया के निवासियों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए, सभी के लिए, मतलब केवल हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे, सब कुशल रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारा काम। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां दो दिवसीय पुस्तक महाकुंभ का शुभारंभ विधायक सीयू अरोड़ा ने किया। विधायक सीयू अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बुके के स्थान पर बुक भेंट करने की पहल की दिशा में ये महत्वपूर्ण शुरुआत है। आपको बता दें कि पुस्तक महाकुंभ समिति रुद्रपुर की पहल पर युवा पीढ़ी को पुस्तक और साहित्य से जोड़ने के लिए इस पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत की गई। ये रुद्रपुर में पहला पुस्तक महाकुंभ मेला आयोजित हुआ। इससे पहले ये टनकपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। रुद्रपुर के अंदर पुस्तक महाकुंभ, जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापिस आ रही है तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैं इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं जो पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में इस पुस्तक महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं,
और ये युवाओं को अपनी देश और संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना है। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे। दोनों अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर छात्र संघ के अध्यक्ष हिमांशु जाटव के साथ मिलकर दोनों अतिथियों ने सांस्कृतिक एनसीसी और तमाम प्लेटफॉर्म पर अपने प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। सम्मान पाकर छात्र काफी खुश और गदगद नजर आए। और छात्र संघ ने बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने सामान्य रूप से, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति से आया हूं, शपथ ग्रहण समारोह वार्षिक उत्सव होता है, उसके बाद छात्र संघ का कार्यकाल लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ के छात्र संघ ने बहुत अच्छी पहल की है कि जिस तरह एनसीसी के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा को प्रदेश के लेवल पर, राष्ट्र स्तर पर स्थापित किया है, उनको सम्मानित किया। ये सब एक तरह से उनको सम्मानित करके एक तरह उन तमाम छात्रों के लिए प्रेरणा का एक रास्ता खोला है। उसके लिए मैं छात्र संघ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास, मैं सोचता हूँ इससे जब सम्मानित किया जाता है कुछ बच्चों को, उससे लोगों के मन में और बच्चों के मन में प्रेरणा आती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं सोचता हूँ इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के प्राचार्य को, यहाँ के शिक्षकों को, कि उन्होंने बहुत अच्छा, मैं सोचता हूँ ऋषिकेश डिग्री कॉलेज, ऋषिकेश, अब क्योंकि ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर हो गया है तो अब एक अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित पहले भी था और अब और आगे हुआ कि जो छात्र छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे खेल में है, चाहे एनसीसी में, अन्य चीज में, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा उपलक्ष्य है, उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है और मैं छात्र संघ के अध्यक्ष जी समेत पूरे छात्र संघ को मैं बधाई देता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के बैराज जलाशय से एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। शव 10 से 15 दिन पुराना बताया गया, जबकि मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच बताया जा रहा है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है। एसडीआरएफ के जवानों ने बैराज जलाशय से शव बाहर निकालने के बाद शव को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा है। मृतक के पहचान के लिए आसपास के सभी थाना क्षेत्र को सूचित किया गया है। हल्द्वानी से एक दुखद खबर है। यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही ननद और भाभी की स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वही हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। प्रतिबंधित के लिए पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, मेरे द्वारा पुनः निर्देश दिए गए हैं, उस पर हैवी ट्रैफिक ना चले, इसमें साइनेज लगाए जाएंगे और अगर एक जनता के साथ मीटिंग की जाएगी, अगर मीटिंग में वहाँ के जो वहाँ के फीड जिनको ये रोड फीड करती है, अगर वो लोग इस बात पे सहमत होते हैं पे यहाँ पे कोई बड़ा ट्रक ना चले, हैवी ट्रैफिक ना चले, तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक एक्सीडेंट का प्रश्न है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें महिलाएँ उस ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रयास में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।
बीते 31 जनवरी को देर रात्रि NH 74 पर कटघरी मोड़ के पास हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वाईएसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1 फरवरी को जयदीप सिंह पुत्र हरदीप सिंह निवासी ईश्वरपुर थाना सीसगढ़ ने सितारगंज कोतवाली में देर रात्रि उसके भाई मनदीप सिंह पर अन्य साथियों के ऊपर स्विफ्ट कार से आए और लोगों ने हमला कर उसके साथ लूट होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पूरे मामला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जनवरी को रात को श्री हरदीप सिंह के द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि 31 जनवरी की रात को उनके भाई मनदीप सिंह के ऊपर जो है इनकी गाड़ी स्कूटी पे इनको गिरा के और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया है और लूट का इन पे प्रयास किया गया है। तो इस तहरीर को प्राप्त होते ही हमने इसमें तुरंत संगीन और रिलेवेंट धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 5 नामजद तथा 3 अन्य के विरुद्ध ये तहरीर थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को गठित किया गया था। ओम प्रकाश शिव सितारगंज और बिजवाल जो थानाध्यक्ष सितारगंज है इनके द्वारा जो है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी का नतीजा ये हुआ है कि कल हमें जो है 2 अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं। गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी है ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और इसके अलावा विपिन ये इच्छा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने जो है लूटी हुई चेन का टुकड़ा भी बरामद किया है। इसके अलावा तलवार और तमंचे भी बरामद किए हैं तो आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोतरी की है। और गगनदीप सिंह गगन उर्फ गगन रतनपुरिया इस पर पहले से ही SSP उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इसको इनामी घोषित किया जा चुका था। तो टीम की एक बहुत बड़ी सफलता है कि दो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया है और बाकी भी अभियुक्त जो इसमें है और जो भी घटना में सम्मिलित है उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास जारी है और हम जल्द ही इसमें सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है। मैं इस पूरी कार्रवाई के लिए थाना सितारगंज की पूरी टीम SHO सितारगंज बिजवाल हमारे SSI हरविंदर इसमें जो IO हैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट उनकी पूरी टीम तथा CO ओम प्रकाश जो CO सितारगंज है और SP सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें गगनदीप सिंह और गगन रुद्रपुरिया इस पर 25,000 का इनामी है जो मैंने आपको बताया और दूसरा जो अभियुक्त है विपिन ठाकुर इसके ऊपर जो है हमने पहले से ही इसको गुंडा बना के जिला बदर की कार्रवाई की थी। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB News। नमस्कार।